दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि किसान आंदोलन पिछले एक हफ्ते से अभी भी सिंघू बॉर्डर पर चल रहा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश से इकट्ठे होकर किसान अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन वहां से पिछले कल हमारे सामने कुछ वीडियो क्लिप्स और तस्वीरें इस आंदोलन में हुई कुछ हिंसात्मक घटनाओं को बयान कर रही हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि पुलिस के द्वारा किसानों को रोका जा रहा है। और वहाँ पर क्या हो रहा है, आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानते ही होंगे। हम सभी को इसके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो कृपया आप सभी इसके लिए प्रार्थना ज़रूर करें, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए इसका हल निकलना बहुत ही ज़रूरी है। और यह किसानों और गवर्नमेंट के बीच की ही बात नहीं, बल्कि देश की शांति और एकता की भी बात है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपोस्टल अंकुर अरोड़ा जी के एक वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूं, जिसमें उन्होंने किसानों को लेकर बात की है और इसको लेकर और क्या कहा है, आइए हम जानते हैं इस वीडियो क्लिप में। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अपने हाथों को उठा के हम किसानों के लिए प्रार्थना करेंगे। आने वाले समय में हमें एक प्रार्थना करनी है कि जो पंजाब के किसान हैं, जो इंडिया के किसान हैं, परमेश्वर उनके सिस्टम को ऐसा बनाए कि वो डायरेक्ट देशों से डील कर सकें, और जिससे हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी उससे बहुत फायदा होगा। बहुत सा अन्न जो खराब होता है बच जाएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो इंडिया देश में यूज होगा। अपने हाथों को उठाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दिखाया है, उसने मुझे दिखाया है कि अगर हम प्रार्थना करेंगे, अगर हम इस विषय को डेली प्रेयर्स में रखेंगे, अगर सुनो, मैंने आपको बताया था 2020 में कि जब कोरोना वायरस की लड़ाई दुनिया लड़ रही होगी तो आप लोग देखोगे युद्ध होता हुआ। इंटरनेट पे भी मीटिंग है 2020 की, जब किसी को सपने में नहीं मालूम था कि इतने ज्यादा दुख के माहौल में, इतने ज्यादा वायरस के माहौल में, इतने ज्यादा महामारी के माहौल में भी कोई देश युद्ध करने के बारे में सोच सकता है। हमें प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि रात का समय जो है, रात की मीटिंग जो है, ये एक प्रोफेटिक मीटिंग है, ये एक ले हैंड मीटिंग है, ये एक इम्पार्टेशन मीटिंग है। इसमें आप मेरे सहयोगी हैं, आप प्रोफेटिक मीटिंग में हैं, आप मेरे लिए साथ प्रेयर करेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, हम मिलकर प्रेयर करेंगे देश के लिए, लोगों के लिए, उन मसलों के लिए जो परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं। आने वाले समय में मैंने आपको बोला था किसान ब्लेस्ड होंगे, और ये आपकी प्रेयर से हो जाएगा।